लेटेस्ट इंटेल रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के जो के इलाके से मुतसिल अफगानिस्तान की सरजमीन पर एक मुनज़म मनसूबा बनाया गया है। मनसूबे के मुताबिक धरने को टारगेट किया जाएगा और इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर डाला जाएगा। भारत की जारियत का ऐसा मुँह तोड़ जवाब दिया था कि भारतीय माएँ अपने बच्चों को पाकिस्तान के नाम से आज भी डराती हैं, लेकिन किसी ने भी पाकिस्तान की दारों को बदनाम करने के लिए कोई हरकत की तो इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान से पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की तफसीलात शेयर की हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने वाले दहशतगर्दों के मुकम्मल फाइफ पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों की तफसीलात भी दी हैं। एक हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क की हैसियत से अफगानिस्तान को इसका मस्बत जवाब देते हुए पाकिस्तान को मतलूब दहशतगर्द हमारे हवाले करने चाहिए। पाकिस्तान के अफगानिस्तान से और अफगान अबूरी हुकूमत से ताल्लुकात का तकाजा भी यही था, लेकिन अफगानिस्तान में मौजूद बाअसर शरपसंद अनासिर ने इस पर जलते हुए तेल का काम करने का शरंगेज मनसूबा बनाया है। पाकिस्तान में हसास नोयत के मामलात में ऐसी शरंग अंगेजी और दहशतगर्दी की जाए जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तानी इदारों पर लगाया जा सके। पाकिस्तान दुनिया भर में हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है, लेकिन किसी ने भी पाकिस्तान की इदारों को बदनाम करने के लिए कोई हरकत की तो इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे भाईचारे को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हमने किसी भी जहरियत और बालादस्ती को कबूल नहीं किया है। भारत की जहरियत का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया था कि भारतीय माएँ अपने बच्चों को पाकिस्तान के नाम से आज भी डराती हैं। बालाकोट में भारतीय जारी तैयारों की दुर्गत और अभिनंदन की चाय की प्याली की गर्मी अब भी महसूस हो रही है। हमने तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी का तैयार किया है, इसके बाद तमाम अफगान माजरीन की वापसी होगी। अफगानिस्तान में मौजूद सेंचुरीज बराह रास्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए मुस्तकिल खतर बन चुके हैं, जहां से दहशतगर्द ऑपरेट कर रहे हैं, बल्कि सारी मंसूबा साजी हो रही है। लेटेस्ट इंटेल रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के जो के इलाके से मुतसिल अफगानिस्तान की सरजमीन पर एक मुनज़म मनसूबा बनाया गया है कि पाकिस्तान में तखरीबकारी की जाए और इसके लिए जो टारगेट सेलेक्ट किया गया है वो चमन का एहतजाजी धरना है। मनसूबे के मुताबिक धरने को टारगेट किया जाएगा और इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर डाला जाएगा और इस मनसूबे का मकसद आवाम और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान खलीज बढ़ाना है। ये मनसूबा मौजूदा फॉल्ट लाइन्स को गहरा करने का के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने दहशतगर्दों के हवाले से अफगान सरजमीन पर मौजूद सेंचुरीज की तफसील एक डोसिए की शक्ल में अफगान अबूरी हुकूमत के साथ शेयर की है। तमाम इंटेल रिपोर्ट की तफसील इस डोसिए में दी गई है। बदकिस्मती से इस हवाले से अभी तक कोई मस्बत कार्रवाई नहीं हुई है। निगरान हुकूमत की कोशिश है कि जनवरी तक हम तमाम गैर कानूनी अफगान तारिकीन वतन को वापस भेजें, इसके बाद बाकी अफगान तारिकीन वतन या महाजरीन को भेजने के लिए टाइम फ्रेम का ऐलान करेंगे। चूंकि अफगानिस्तान में अब खाना जंगी खत्म हो चुकी है, तमाम अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान जाना पड़ेगा। हमारी अफगान अबूरी हुकूमत से अपील है कि दहशतगर्दी के मसले पर काबू पाने के लिए सेंचुरीज को ख़त्म करें, पाकिस्तानी दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करें और अफगान तारिकीन वतन या महाजरीन की वापसी और उनकी बाइज्जत आबादकारी को यकीनी बनाए। इसके साथ दहशतगर्दों के फैसिलिटेटर्स या सहूलतकार जो इन्हें पनाह देते हैं, खाना पहुंचाते हैं, सवारी फराहम करते हैं और इंटेल रिपोर्ट के मुताबिक कुछ मदारिस में 5 दिन तक
इन दहशतगर्दों को रखते हैं उनको हम वार्न करते हैं कि सहूलतकारी किसी भी शक्ल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।